हमारे अगले सवाल की ओर। ये लाभ हानि का सवाल है। अमन सेल्स टू वॉचेज एट 99 ईच, वन ऑन वन ही गेट्स 20% प्रॉफिट एंड ऑन द अदर ही लूजेस 10%, हिज गेन और लॉस परसेंटेज। अमन दो घड़ियों को प्रत्येक 99 रुपये में बेचता है, एक में उसे 10% का लाभ तथा दूसरे में 10% की हानि होती है। उसका लाभ व हानि प्रतिशत हमको बताना है और हमको 4 विकल्प दे रखे हैं। इस प्रकार का सवाल मैंने अपनी कुंडली गणित पुस्तक में बी कैटेगरी में सी कैटेगरी में करा रखा है, समान विक्रय मूल्य समान लाभ व हानि प्रतिशत। इसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी समझाया हुआ है और इसका डायरेक्ट फार्मूला जो निकल के आता है डेरिवेशन करके वो भी बता रखा है। तो बहुत ही सिंपल सवाल है, इसको आप मन में ही कर सकते हैं, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस केसेस में हमेशा हानि होती है पहली बार, तो इसमें या तो ए होगा सही या फिर इसमें डी होगा। और जो इसका फॉर्मूला है -0.01 × p², तो ये मेरा हो गया 0.01 × p² मतलब अपना 100 अपना 10 का स्क्वायर यानी कि 100 हो गया, तो ये मेरा हो जाएगा -1%। तो मेरा विकल्प हो जाएगा इसमें ए। बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, इफ़ अ पर्सन लॉस्ट 8% बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹1035 ही बोर द आर्टिकल फॉर। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10-35 में बेचने से 8% का नुकसान उठाता है, उसने उस वस्तु को कितने में खरीदा। देखिए, या तो कुंडली बना दीजिए, सिंपल सी बात मैंने बताई थी आपको, हमको निकालना है सी, ठीक है। और गुना फैक्टर यहाँ पे कितना हो जाएगा वो आप कैलकुलेट कर लीजिए। गुना फैक्टर है 8% लॉस्ट है, देखिए 8% डाउन जा रहा है यहाँ पर। तो 100 - 8 करेंगे 92 और उसको 100 से भाग देंगे तो हो जाएगा 0.92। तो मुझे 0.92 से इसको गुना करना है तो मेरी सेलिंग प्राइस आ जाएगी जो लिखी है 1035। तो 0.92 सी इज इक्वल टू 1035, इसका मतलब सी मेरा हो गया 1035.92 × 100 लिख दूंगा मैं। अब देखिए ऐसे सवालों में आप एक काम कीजिए, 92 को और खोल दीजिए तो ये हो जाएगा, अगर मैं 4 से इसको भाग दूंगा तो ये मेरा हो जाएगा 23 × 4। अब देखिए 23 × 4, 4 से 100 कट जाएगा, हो जाएगा कितना 25, और 23 से हम 1035 को डिवाइड करेंगे तो देखिए 23 × 4 तो हो गया 92, ठीक है। तो 92 हो गया और उसके बाद बच जाएगा मेरा 11 115, तो 23 × 5 जो है अपना 115 होता है, तो ये हो गया 45। तो मुझको 45 को 25 से गुना करना है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, 45 को 25 से गुना करने के बजाय मैं इसको लिखता हूँ 45 × दोनों तरफ 4 से गुना भाग कर दो आप, तो ये हो जाएगा 4500 / 4। अब इसको फटाफट भाग दे दो, जल्दी हो जाएगा। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5। तो मेरा विकल्प हो गया सही, विकल्प टी। बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल 37वां सवाल। अ साइकिल मर्चेंट अलाउस 25% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑफ द साइकिल्स एंड स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%। इफ ही गेन्स ₹360 ओवर द सेल ऑफ वन साइकिल, फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ अ साइकिल। चार ऑप्शन हमको दे रखे हैं। एक साइकिल विक्रेता अंकित मूल्य पर 25% की छूट दे रहा है और तब भी वह 20% का लाभ प्राप्त कर रहा है। अगर एक साइकिल पर वह ₹360 कमा रहा है तो साइकिल का अंकित मूल्य क्या है। इस प्रकार के सवालों में स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूजन होते हैं और सोचते हैं कि हम यहाँ से शुरू करें, वहाँ से शुरू करें, कैसे करें, कौन सा आंकड़ा कहाँ पे करें, कैसा करें, बहुत कंफ्यूजन होता है। इस प्रकार के सवाल आपके जो मैंने दे रखे हैं मेरी बुक में कुंडली गणित पुस्तक में, उसको आप ज़रूर देखना। इससे कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहता, सवाल को पढ़ना है, वैल्यूज़ को कुंडली में रखना है। और ये मेरा जो है चैप्टर, इसमें डिस्काउंट चैप्टर में जिसमें अंकित बटा कुंडली लगती है और लाभ हानि कुंडली लगती है, इस प्रकार से दे रखा है। बहुत ही आसानी से ये सवाल हो जाता है। देखिए सवाल यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए मैं थोड़ा समय लगा रहा हूँ, अदरवाइज़ इसमें सिर्फ आपको कुंडली बनानी है, वैल्यूज़ को पुट करना है और आंसर को प्राप्त करना है और कुछ नहीं करना। आइए समझ लेते हैं इस सवाल को कैसे करना है। तो सबसे पहली बात, इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो समझिए। हमको निकालना है मार्क प्राइस, ठीक है ना। तो एम हमको निकालना है तो उसको हम मान लेते हैं एम। तो कुंडली बनाइए, पहले अपन बनाएंगे कुंडली, बटा कुंडली बनाएंगे। तो अगर मार्क प्राइस है एम और 25% का मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ तो मेरा गुना फैक्टर हो जाएगा 0.75। ये मैंने आपको प्रतिशत चैप्टर में भी बता रखा है गुना फैक्टर, और लाभ हानि में भी बता रखा है, आप मेरा वीडियो भी इस चैप्टर में देख सकते हैं। तो ये मेरा हो जाएगा 0.75 एम, ठीक है। ये
ये तो मेरी हो गई बटा कुंडली। बहुत आसान है, सवाल को बस पढ़ते जाना है और वैल्यूज को रखते जाना है। अब देखिए, ये है मेरी क्या सेलिंग प्राइस, ये मेरी है लाभ हानि कुंडली। लाभ हानि कुंडली ये लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ ये सब। ये हो गया मेरा 0.75 एम। अब जो है प्रॉफिट जो बता रखा है वो है 360। अच्छा, कॉस्ट प्राइस यहाँ पे हम लोग लिखते हैं क्या, कॉस्ट प्राइस जो हमको दे नहीं रखी है, तो ये मान लीजिए ये कॉस्ट प्राइस है सी। अच्छा, अब दे रखा है प्रॉफिट, प्रॉफिट दे रखा है 20%। 20% अगर प्रॉफिट है तो ये कितना हो जाएगा मेरा, गुना फैक्टर कितना हो जाएगा, 1.2। तो यहाँ से एक चीज़ निकल के आती है बात कि 1.2 सी बराबर मेरा 0.75 एम है। अब इस आंकड़े को मुझे कैसे यूज़ करना है वो समझिए। देखिए, इस कुंडली में क्या होता है, 1.2 सी इज इक्वल टू 0.75 एम, और इन दोनों खानों का जो जोड़ है, मतलब कि कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट बराबर होता है ये। अच्छा, ये जो प्रॉफिट है वो है 20% ऑफ सी, यानी कि 0.2 सी। तो यहाँ से मेरा निकल के क्या आया कि 0.2 सी मेरा बराबर है 360 के, तो सी जो है मेरा हो जाएगा 1800। सी मेरा 1800 हो जाएगा। मुझको निकालना क्या है, एम, एम है 1.2 इंटू, ये है 3/4, तो मैं यहाँ पे इसको 4/3 से गुना कर देता हूँ, ठीक, गुना सी। तो ये मेरा हो जाएगा, ये देखिए ये हो जाएगा 4 और ये 4, तो ये 1.6 गुना 1800। अब ये है हो गया 16 गुना 18, मुझे करना है इंटू 10। 16 गुना 16 कितना होता है, 256 होता है, और 16 गुना 2 32 होता है, और गुना 10, तो ये मेरा हो जाएगा 2, ये मेरा 8 और ये 10 0, तो 2880 मेरा आंसर है, जो कि मेरा विकल्प है सी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये बहुत ही सिंपल है, इसको आप मन में भी कर सकते हैं। इफ़ 2x = 3y = 4z फाइंड xyz। तो 2, 3 और 4 से जो कॉमन जो डिवाइड हो जाता है किससे हो जाते हैं, 12 से हो जाते हैं। तो इस इक्वेशन को मैं 12 से अगर भाग दे दूंगा तो ये हो जाएगा मेरा x भाग 6, y भाग 4 और z भाग 3। तो मेरा रेशियो हो गया 6, 4, 3, जो कि है विकल्प बी। बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। सवाल बहुत आसान है, पर बात है कि फास्ट कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए बी सी इज 589। इफ द सम ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड सी इज 56 ईयर्स, द एज ऑफ बी विल बी। अगर ए बी व सी की आयु 5, 8, 9 के अनुपात में है, अगर ए व सी की आयु का जोड़ 56 वर्ष है तो बी की आयु क्या है। देखिए, दो प्रकार से मैं बताता हूँ। पहला तरीका मैं बताऊँगा इसमें कि 5, 8 और 9 है, तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि उनकी एज हो जाएगी, पी एक नंबर है यहाँ पर, तो पी 5p 8p और 9p। अच्छा, ए और सी को मैं जोड़ दूँ तो हो जाएगा मेरा कितना, 9p + 5p हो जाएगा 14p, दे रखा है 56, तो पी की वैल्यू निकल के क्या आ गई, 4। अच्छा, बी की एज पूछी है ना, तो बी की एज हो जाएगी 8p, तो 8 × 4 = 32, तो मेरा आंसर हो गया डी ऑप्शन। दूसरा तरीका ये है कि ए भाग 5, बी भाग 8 और सी जो है इनकी एज इस अनुपात में है। प्रॉपर्टी इसकी जो कहती है रेशियो प्रोपोर्शन की, जो मैंने अपनी कुंडली गणित पुस्तक में आपको बता रखा है, उसको आप जरूर रेफर कर लीजिए। ए प्लस सी को मैं जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा, 56 है, ठीक है, और 5 और 9 को जोड़ दूं तो हो जाएगा 14, तो 56/14 कितना हो गया, 4। बी की एज निकालनी है ना, तो बी इज इक्वल टू 8 × 4 हो जाएगा, तो ये मेरा आ जाएगा 32। बढ़ते हैं हमारे 40th सवाल की ओर। सवाल इस प्रकार से है, अ बॉक्स कंटेन्स 280 कॉइन्स ऑफ 1 rupees 50 paise and 25 paise। द वैल्यू ऑफ ईच काइंड ऑफ कॉइन आर इन रेशियो 8, 4, 3। द नंबर ऑफ 1 rupee कॉइन्स विल बी, और हमको 4 विकल्प दे रखे हैं। किसी बक्से में 280 सिक्के हैं जिनमें से 1 rupee 50 paise व 25 paise हैं। इन सिक्कों की कीमत का अनुपात 8, 4, 3 में है। 1 rupee की सिक्कों की संख्या कितनी है। इस प्रकार के सवाल मैंने आपको सिक्कों का वितरण जो है ये मेरा रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर में है, डी कैटेगरी में, इसमें बहुत ही अच्छे प्रकार से करा रखे हैं। इसमें कोई भी फॉर्मूला नहीं बताया है हमने, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले ट्रिक इसमें होती है, पर इससे स्टूडेंट एकदम कन्फ्यूज ही हो जाता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई आप इसमें ट्रिक वगैरह याद नहीं करें,
बस सवाल को पढ़िए, कुंडली बनाइए, आंसर आपका गारंटीड है कि आना ही आना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है आपको, एक टेबल सी बनानी है। तो पहले तो जो सिक्के दे रखे हैं 1 रुपये के, 50 पैसे के और 25 पैसे के, ठीक है। अब आपको पता है इनकी इकाई आप लिख लीजिए, यूनिट लिख लीजिए। 1 रुपये की इकाई है 1, 50 पैसे मतलब 1/2 होता है, 25 पैसे मतलब 1/4 होता है। सिंपल सी बात है, इसमें कुछ समझने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ संख्या, भाई कितने उनकी संख्या है, गिनती कितनी है सिक्कों की, और यहाँ पे हम लिखेंगे उनका मान, वैल्यू। अच्छा अब दे रखा है कि जो वैल्यू है ये हमने पहली लाइन पढ़ी और ये हमने लिख दी। अब दूसरी लाइन दे रखी है कि उनकी जो कीमत का अनुपात है 8:4:3। तो अगर कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई अनुपात 8:4:3 है तो उसको अपन 8P 4P 3P मान सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट पे आप सवाल कीजिए, 8P 4P और 3P, ठीक है। अब आप एक और मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था V=nu, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सी बात यह है कि जो मेरा मान होगा वो मेरा क्या होगा, जितनी संख्या होगी और गुना मेरी इकाई होगी। मान लो अगर 1 रुपये की बात करूं, 1 रुपये मेरी इकाई है, संख्या अगर 100 है तो मेरा मान हो जाएगा 100 रुपये। इसी प्रकार से अगर मैं 50 पैसे इस संख्या की बात करूं और संख्या 100 है और इकाई मेरी 1/2 है तो उसका टोटल जो मान हो जाएगा वो होगा 100 × 2 = 50 रुपये। सिंपल सी बात है। अच्छा V=nu है तो n = V/u है, तो n कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 8p, यहाँ पे 4p/1/2 तो हो जाएगा 8p और यहाँ पे हो जाएगा ये 12p। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब इन तीनों संख्या को हम जोड़ लें तो हो जाएगा मेरा 280 कॉइंस। तो 8 और 8 = 16, 16 और 12p हो गया 28p, 28p हो गया मेरा क्या 280, तो p = हो गया 10। अब हमको निकालनी है 1 रुपये की संख्या, तो 1 रुपये की जो संख्या है वो है 8p, तो 8p 8 × 10 ये हो गया 80। तो मेरा आंसर हो जाएगा विकल्प डी। अगर आपसे 25 पैसे का पूछा जाता तो आप 12 × p करते तो लिख देते आप 120। आपकी तैयारी के लिए हम लोग प्रैक्टिकल बेस्ड अप्रोच लेके बहुत सारे वीडियो और स्टोरी मटेरियल जो है बना रहे हैं और हम चाहते हैं कि हम वो आपको प्रोवाइड कराएं। तो इसके लिए मैं आपको चाहूँगा कि आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते जाए कि सर ने अभी नेक्स्ट कौन सा वीडियो बनाया है, user.theory2practical। इसके अलावा हमारा जो Facebook पेज है उसको आप ज़रूर लाइक कर लीजिए, उसमें सभी वीडियोस के लिंक और स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, एंड दैट इज़ क्रैक माई एग्ज़ाम। ये जो भी टेस्ट पेपर मैं करा रहा हूँ इसके ऑनलाइन टेस्ट आप फ्री में दे सकते हैं हमारे ऐप में, जो कि है क्रैक माई एग्ज़ाम ऐप। और हमारी वेबसाइट है जिसमें इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आती रहती है और स्टडी मटेरियल्स इसमें हमने ऐड कर रखे हैं, अपलोड कर रखे हैं, तो इसको भी आप ज़रूर देखें। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी आप फीडबैक देना चाहते हैं या हमसे चाहते हैं कि हम इस टॉपिक में वीडियो बनाएं, तो आप ज़रूर theory2practical@gmail.com पे आप मेल कर दीजिए। हमारी ईमेल आईडी theory2practical@gmail.com पे आप अगर फ्री स्टडी नोट्स चाहते हैं SSC बैंक एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप SSC बैंक एग्ज़ाम ये टाइप करके सब्जेक्ट में आप भेज दीजिए। मैं आपको हमारी कंपनी के पास में जितना भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल है फॉर SSC बैंक एग्ज़ाम के लिए मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और इसी के साथ हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें हज़ारों स्टूडेंट्स ऐड है और वो डेली अपने सवाल पूछ सकते हैं इसमें, और हमारे जो रिसेंट वीडियोस हैं उनकी अपडेट उनको मिलती रहती है, उसका नंबर है 8003378523, जिसमें हमारा जो 8523, और जिसमें आप हमारा जो ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप क्रैक माई एग्ज़ाम, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। और आपको एक मैसेज भेजना है व्हाट्सएप में, ये सेम मैसेज आप भेज दीजिए SSC बैंक एग्ज़ाम।